मैं चैलेंज के तौर पर अहले शिर्क और बिदत को पैगाम देता हूं, हमारी किसी तकरीर में अपने किसी बुजुर्ग के लिए हमारी जुबान से गाली नहीं साबित कर सकते। ना हमें मोहम्मद करीम ने गाली देने वाला बनाया है, सिखाई है। प्यारे हबीब ने ये जुबान हमें नहीं सिखाई। हम किसी की बात का तो रद्द कर सकते हैं कि फला हजरत की ये बात गलत है, लेकिन उसको गाली दें, उसको बुरा भला कहें, उसकी जात को बुरा कहें, उसकी जात ने हमें क्या नुकसान पहुंचाया? किसी मौलवी ने हमारी उससे जाती लड़ाई नहीं है। हमारी अगर किसी से लड़ाई है तो इस बात की कि ये अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के रास्ते से हटाकर शिर्क और बिदत के रास्ते में चला रहा है, तो लड़ाई उसके अकीदे से है, उसकी जुबान से है, उसके कौल से है, उसकी जात से नहीं। इसीलिए हम कभी किसी की जात को बुरा, उसकी बात को कहते हैं कि हजरत साहब की, मौलाना साहब की, शेख साहब की, डॉक्टर साहब की ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ है। जब हमने उनकी ऐसी बातों का रद्द किया जो कुरान और हदीस से टकराती थी, तो यूट्यूब के ऊपर जहां हमारा क्लिप है, माँ बहन की वो गंदी गालियां उनकी उनकी जमात वालों की तरफ से हमें मिली कि ऐसी गंदी गालियां राफजियत और कादियानियत ने भी हमें नहीं दी। ऐसी गालियां जिसको पढ़ना भी मुश्किल है, सुनना भी मुश्किल है। कुछ नहीं छोड़ा, हर तरह की जुबान चलाई। जैसे पैगाम मिल रहा हो कि अबू बकर उमर उस्मान को गाली देने वालों को सीने से लगाया जा सकता है, मौलवी साहब की किसी बात को गलत कहने वाले को माफ, इसको सिर्फ गाली ही दी जा सकती है। शायद इनके यहां यही इकराम में मुस्लिम का तकाबा होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।